वहीं बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस और विजय के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा को नमन किया। डॉक्टर यादव ने शौर्य स्तंभ पहुंचकर शहीदों को नमन किया, साथ ही उन्होंने शौर्य स्मारक परिसर में स्थापित सेना के T-55 टैंक का लोकार्पण भी किया। अब शौर्य समारोह में आमजन द्वारा इस टैंक को भी देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने द्रोणाचार्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, वहीं कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग सुदर्शन चक्र कोर श्री प्रीतपाल सिंह NCC के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार के साथ ही 21 कोर भोपाल के अनेक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर सेना और NCC की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल विजय से नया इतिहास रचा। हमारे जाबाज बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास लिखा है, यद्यपि अतीत के काल से परमात्मा की कोई कृपा है भारत पर, भारत का औरूप पराक्रम पुरुषार्थ साहस शौर्य हजारों साल से दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के कारण से जाना जाता है, और इसीलिए दुश्मन अलग अलग दौर में कई कई रूप बदल करके कई कई कारणों से कई प्रकार से हमको नष्ट भ्रष्ट करने भी आता है। लेकिन इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोम ये भी हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के अंदर का लचीलापन, इनके अंदर की कमजोरियों के कारण से ये अंततः देश नष्ट भ्रष्ट हुए, इनकी मूल जड़ों से कट गए। लेकिन भारत का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, शौर्य है, और हम ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, केवल 47 के काल को याद कर ले, दो देश एक साथ आजाद हुए, कुछ 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हुआ, और दोनों देशों ने अपनी अपनी आबादी के साथ एक नए देश की मान्यता भी पाई। हम सब देख रहे हैं कि भारत के अंदर की अच्छाई के कारण से, भारत की अंदर की एक ताकत है जिसके कारण से सिविल सोसाइटी भी अलग प्रकार से जीती है, साथ खड़ी रहती है, और अंदर की कठिनाइयों में से भी मार्ग खोजती है, उसमें रास्ता निकालती है। और सच्चे अर्थों में तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हमारी कृषि भूमि भी जो उन्नत ज्यादा थी वो उधर चली गई, हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौतियां आई थी। लेकिन भारत ने जल्दी से हिसाब चुकता किया है, एक जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का, उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे, लेकिन ये बात सही है 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, सीमित संसाधन पुराने हथियार लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब ढाया है। लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार कारगिल तक किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं है, लेकिन ये भी बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते हैं, मर्यादा भी जानते हैं। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं तो एक के दो करने का, एक नया देश पाकिस्तान को दो टुकड़े करके हमने 1971 की लड़ाई जीती, और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 99 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। दिल्ली की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा, ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने प्यार लुटाने वाले लोग, जिसने अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया था, जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कि सब कुछ बदल सकते लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। 25 साल पहले का आज का वो दिन, कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश
एक तरह से आश्चर्य में जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पे हमको गर्व है जिनने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के योगदान के सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था, इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है, कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और सेना को बधाई देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत बहुत बधाई।